चलो, ये कहता है एक बॉडी मास से हम हिट नॉर्मली ए रिजिड वॉल। ठीक है, देखो अब मैं आपको पहले ही बताया हूं कि इस टाइप के बाउंसिंग वाले क्वेश्चन में कई बार फिजिक्स में यूज होगा। आप फोटॉन्स पढ़ोगे, ठीक है, लाइट पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन पढ़ोगे, ठीक है, वहां वेलोसिटी चेंज होती है इस टाइप के मैकेनिक्स में। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखो कि अगर कोई बॉल इसको हिट करता है, कितनी वेलोसिटी से रिजिड वॉल को हिट किया, बॉल का मास एम है और ये वी वेलोसिटी से हिट किया, और जो कोलिजन है वो इलास्टिकली है और बाउंस बैक विथ सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी नहीं होगा, सेम स्पीड से बाउंस बैक किया, ये स्पीड है। ठीक है, ये स्पीड होनी चाहिए, वेलोसिटी विल बी चेंज, ये स्पीड होगा। ठीक है, सेम स्पीड से गया, ठीक है, जितने स्पीड से हिट किया उतने ही स्पीड से चला गया। ठीक है, तो क्या वेलोसिटी चेंज हुई है? ऑब्वियसली वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, पहले वेलोसिटी नीचे थी, अब वेलोसिटी ऊपर हो गया। तो जब कभी भी वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज आएगा तो इम्पल्स आएगा। ठीक है, तो जब अगर मोमेंटम चेंज हुआ तो इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है यार, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। वैसे जिसको याद है वो डायरेक्ट इसको टिक कर देगा, 2 MB इसका सही है, और जिसको नहीं याद है वो ऐसे करेगा, फाइनल मोमेंटम नीचे है बोलो माइनस MB जेक है, और माइनस साइन यहां से फार्मूले से घटाने की वजह से, और ऊपर मोमेंटम है माइनस MB जेक है, तो माइनस 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 2 MB जेक है, दैट इज द इम्पल्स वेक्टर या चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, दिस एक वेक्टर फॉर्म में है, तो चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स की जो डायरेक्शन है वो नीचे होगी और उसका मैग्नीट्यूड 2 MB होगा। तो जब स्केलर में लिखोगे तो चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स दैट इज 2 MB, ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन के साथ है। ठीक है, दैट इज सी ऑप्शन इसका सही है ना। चलो,